नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही अब लोगों के बीच ये चर्चाएं शुरू हैं कि कौन सी पार्टी से कौन सा नेता कैंडिडेट होगा। ये चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं कि कौन सी पार्टी किस चेहरे पर दाव खेलेगी। हर क्षेत्र में आप कहीं चले जाएँ, आप गाँव में चले जाएँ चाहे शहर में चले जाएँ, चाहे वो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ये चर्चा आपको सब जगह मिल जाएगी कि फलां विधानसभा क्षेत्र से फलां नेता की टिकट पक्की है, फलां विधानसभा क्षेत्र में फलां को टिकट मिल सकती है और अमुक विधानसभा क्षेत्र में उक्त नेताजी की टिकट कट सकती है। हम भी लगातार आपसे चर्चा किया करते हैं तमाम जिलों को लेकर कि कहाँ क्या हो सकता है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था फरीदाबाद के अंदर कि कांग्रेस में किन नेताओं पर टिकट का दाव खेला जा सकता है, कौन से नेता कैंडिडेट हो सकते हैं, और मैंने आपको दो दो नाम बताए थे कि ये नेता कैंडिडेट हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ पलवल जिले को लेकर। हालांकि फरीदाबाद की वीडियो में भी हमने आपसे चर्चा प्रथला की थी और इस वीडियो में भी आपसे मैं चर्चा प्रथला की करूँगा। तो पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें यानी कि पलवल, हथीन और होडल, और इसके साथ 4th विधानसभा की सीट प्रथला, इन सीटों पर कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है, कांग्रेस का नेता कौन होगा, कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी और चुनाव में क्या होगा, इस पर नज़र आम जन की है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन नेता कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं तो पलवल जिले के अंदर होडल विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ के की जो कैंडिडेट हैं, जो टिकटार्थी हैं, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी हैं। यानी कि चौधरी उदयभान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र होडल है और उन्होंने वहाँ पर आवेदन किया है। तो आवेदन करने की वालों की बात अगर करें तो होडल विधानसभा क्षेत्र से मात्र 2 लोगों ने आवेदन किया है, एक चौधरी उदयभान और एक और व्यक्तित्व ने। मैं पलवल विधानसभा की बात करूँ तो पलवल विधानसभा में 3 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, कांग्रेस की टिकट के लिए, जिनमें एक नाम करण सिंह दलाल और दूसरा नाम फिरे सिंह पोसवाल और तीसरा एक नाम और है। अगर मैं आपसे हथीन विधानसभा की बात करूं तो हथीन विधानसभा के अंदर लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा। और प्रथला विधानसभा की बात करूं तो प्रथला विधानसभा में भी लगभग 20 लोगों ने टिकट मांगी है, कांग्रेस के टिकट जो इच्छावान हैं वो 20 लोग हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें से किसका दाव लग सकता है, इतने जो आवेदन हैं आखिर क्यों हुए। अगर हथीन और प्रथला की बात करें, राजनीतिक हवाएं तो कुछ ऐसा संकेत दे रही हैं कि कुछ लोगों ने डमी कैंडिडेट्स के फार्म भी भरवा दिए हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी बात आ जाए तो कुछ लोग मेरे पक्ष में नाम वापस ले लें कि भैया इनको टिकट दे दो, उनकी समझ हो सकती है। हमें तो कहीं लगता ऐसा है नहीं कि जब कांग्रेस अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बिठाए तो उन 20 लोगों को बुला करके पूछे कि बताओ आप में से किसको टिकट दें, और फिर वो वहाँ 20 में से 14 लोग कह दें कि आप रामलाल को टिकट दे दो। मैं आपसे उदाहरण के तौर पर नाम ले रहा हूं। खैर, जिन लोगों का टिकट मिल सकता है उन चेहरों पर निगाहें सबकी हैं, कौन नेता कैंडिडेट हो सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको सिंगल सिंगल नाम बताने जा रहा हूं कि ये कैंडिडेट हो सकते हैं और लगभग इन पर मोहर लग चुकी है। अगर पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में बतौर कांग्रेस कैंडिडेट करण सिंह दलाल का नाम तय है। करण सिंह दलाल को कांग्रेस का टिकट मिलना लगभग कंफर्म है और उनको लगता है कि उन्हें इशारा भी है, पता भी है, और इसलिए करण सिंह दलाल की जो चुनावी तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। अगर मैं आपसे होडल विधानसभा की बात करूं तो होडल विधानसभा में चौधरी उदयभान का कोई विकल्प ही नहीं है, चौधरी उदयभान को कांग्रेस की टिकट मिलना तय है और चौधरी उदयभान वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। अगर मैं आपसे हथीन विधानसभा की बात करूँ तो क्योंकि हथीन में जो आवेदन किया वो लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, हथीन के अंदर आवेदन करने वालों में वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व CPS रहे हैं चौधरी जलेब खां, उनके बेटे मरहूम जलेब खां के बेटे इज़राइल मोहम्मद ने आवेदन किया है। हाल ही में पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी हर्ष कुमार जो विधायक रहे हैं हथीन से 2 बार, उन्होंने वहाँ टिकट के लिए आवेदन किया है। हथीन की विधानसभा टिकट के लिए मोहम्मद बिलाल ने आवेदन किया है। हथीन की विधानसभा टिकट के लिए और 15-16 नाम हैं जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, अगर आपसे चर्चा करूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी।
डागर पाल के नाम पर भी आवेदन हुए हैं, रावत पाल के नाम पर भी आवेदन हुए हैं, आवेदन ही आवेदन हुए हैं। और प्रमुख बात एक और है दोस्तों वहाँ पर, कि जो मैंने आपको बताया कि कई लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक चर्चाएं हैं कि उन लोगों ने अपने पक्ष में चार चार पांच पांच लोगों के आवेदन करवा दिए हैं कि अगर विड्रॉ करने पड़े तो विड्रॉ कर लेना। हालांकि पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति होती नहीं, लेकिन सबकी अपनी समझ है। हथीन विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक प्रमुख बात एक और है दोस्तों, वो ये है कि चार पांच लोगों ने वहां पर कई बार अखबार नवीसों को बुला करके ऐलान कर दिया कि अगर इनको टिकट दिया तो फिर हम साथ नहीं रहेंगे। ये राजनीति में हुआ करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों के अंदर, खासकर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वो इन दबाव में कभी आया नहीं करते। अब वो जो दबाव वाली रणनीति लोग कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकता कि उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन है ज़रूर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर हथीन में लॉटरी किसकी खुल सकती है, हथीन में किसको टिकट मिल सकता है। हथीन विधानसभा को लेकर के करण सिंह दलाल भी खासे सक्रिय हैं। जो चौधरी हर्ष कुमार की ज्वाइनिंग हुई उसके पीछे लोग कहते हैं कि कोई रणनीति थी बड़ी और करण सिंह दलाल ने उनको ज्वाइन करवाया। लेकिन मेरे राजनीतिक सोर्स बता रहे थे, मेरी बात चल रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि डागर पाल के कुछ लोग पाल पंच के साथ में गए थे दलाल निवास पर आज से दो दिन पहले, और उन्होंने करण सिंह दलाल से कहा कि डागर पाल के लिए टिकट हो, तो दलाल साहब ने, लोग बताते हैं कि इशारे में कहा कि टिकट जहाँ थी वहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इस इशारे को मैं स्पष्ट कर दूं कि क्या उस कहने का मतलब ये था कि टिकट जहाँ थी, टिकट थी पहले इसराइल मोहम्मद के पास, और उन्होंने कहा कि टिकट जहाँ थी वहीं है, तो क्या इसराइल मोहम्मद के पास थी है और इसराइल मोहम्मद के पास ही है। तो आप मान करके चलें कि हथीन में पहले नंबर का जो नाम है वो इसराइल मोहम्मद है कांग्रेस की टिकट के लिए। और मेरे राजनीतिक सोर्स बताते हैं कि लगभग उस नाम पर भी, यानी कि इसराइल मोहम्मद चौधरी इसराइल के नाम पर भी मोहर लग चुकी है कांग्रेस की। अब ऐसे में हथीन की स्थिति पर एक सवाल जरूर आएगा दोस्तों, नाम मैंने बहुत सारे बताए आपको, कई लोगों ने आवेदन किया है, प्रमुख नाम ये है कि चौधरी हर्ष कुमार क्या करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की। पिछला चुनाव वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे 2019 का, 2014 का चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, यानी कि हर चुनाव के अंदर चौधरी हर्ष कुमार का अपना झंडा डंडा होता है। इस चुनाव में क्या कोई झंडा डंडा, अगर उनके पास कांग्रेस का झंडा और अपना डंडा नहीं होगा तो क्या फिर वो कोई और तैयारी करेंगे, और या फिर चौधरी हर्ष कुमार चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे, ये हथीन के अंदर आम सवाल है। और मैंने आपको बताया कि हथीन के अंदर जो मेरे राजनीतिक सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि जलेब खां के स्वर्गीय चौधरी जलेब खां के बेटे चौधरी इसराइल मोहम्मद का टिकट कांग्रेस की तरफ से लगभग तय है। अब बात आपसे प्रथला विधानसभा की। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रथला विधानसभा के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया को कांग्रेस का टिकट हो सकता है। प्रमुख कारण ये दोस्तों, रघुवीर सिंह तेवतिया की राह में रोड़े कई हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया के लिए कई बार बात चलती हैं, और जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं वो खासकर इस बात को कहते हैं, वो ये कहा करते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कर्नाटक वाला एक मसला था जिसके अंदर ये था कि यदि कोई नेता दो बार विधानसभा का चुनाव हारा है तो फिर उसको कंसीडर ना किया जाए। वो फॉर्मूला हरियाणा के अंदर भी चलेगा क्या, इस बात को लेकर काफ़ी ऊहापोह है। लेकिन एक बात ज़रूर आ जाती दोस्तों कि अब की बार हरियाणा का जो रण है वो खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती भरा है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी पार्टी किसी मजबूत कैंडिडेट को बड़ी आसानी से इग्नोर कर पाए, क्योंकि ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कितनी बार हारा, कौन कितनी बार जीता, किसका क्या स्थिति रही, किसके क्या हालात रहे, अगर बात ये आ जाती है कि कौन कितनी बार हारा, अगर कोई कैंडिडेट दो बार हारा तो कांग्रेस भी हरियाणा में दो बार हारी, बात ये भी आ जाती है। और इस सब लिहाज से मैं आपको बताता चलूं कि रघुवीर सिंह तेवतिया का पलड़ा सबसे भारी है प्रथला विधानसभा के अंदर बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। और जो मेरे राजनीतिक सोर्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि प्रथला विधानसभा के लिए भी रघुवीर सिंह तेवतिया का नाम लगभग तय है। यहाँ पर सभी चारों सीटों पर मात्र फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, यानी कि होडल विधानसभा सीट चौधरी उदयभान कांग्रेस कैंडिडेट, पलवल विधानसभा सीट करण सिंह दलाल कांग्रेस कैंडिडेट,
हथीन विधानसभा सीट चौधरी इजराइल मोहम्मद कांग्रेस कैंडिडेट और प्रथला विधानसभा सीट रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस कैंडिडेट। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं? जो हमारे पलवल और फरीदाबाद के सुधी दर्शक हैं वो ज़रूर बताएं कि क्या जो नाम हमने बताए इन पर ही फाइनल मोहर लगेगी और या फिर कोई और नाम सामने आ सकता है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।